हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी सब्जी, हरी सब्जी लेके बनाने के लिए चल रहे हैं। आलू और पत्ता गोभी की सब्जी, बहुत ही अच्छी हरी सब्जी इसकी बनती है। देखिए हम आप लोगों को कैसे आज आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बनाना सिखाते हैं। उसके लिए हमें जिस सामग्री की जरूरत होती है वो है, सबसे पहले मेथी, काली सरसों और जीरा, और दो हरी मिर्ची, और थोड़ी सी हरी धनिया, और बारीक कटा हुआ प्याज, और आलू छोटा कटा हुआ, और पत्ता गोभी कटा हुआ छोटा। इसकी मिक्स सब्जी बनेगी, बहुत ही अच्छी सब्जी, हरी सब्जी बनती है जो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। देखिए हम आप लोगों को कैसे आलू और पत्ता गोभी की हरी सब्जी बनाना सिखाते हैं, सूखी सब्जी। देखिए उसके लिए हम तेल, वही कच्ची घानी वाला तेल यूज करेंगे। सबसे पहले तेल डालते हैं, और तेल थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाने दें। अच्छे से सरसों का तेल जितना ही अच्छा गर्म हो जाएगा, इसका लालपन निकल जाएगा। बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्जी सरसों के तेल में बनती है। देखिए सरसों के तेल में सब्जी का कुछ टेस्ट ही अलग होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सरसों के तेल में। अब हमारा तेल लगभग गर्म हो चुका है, और हम इसमें सबसे पहले जीरा डालते हैं। इसके बाद सरसों डालते हैं, काली सरसों। उसके बाद मेथी डालते हैं, और इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। देखिए जीरा अच्छे से हो जाना चाहिए, अच्छे से पक जाना चाहिए, ताकि जीरा का ही टेस्ट आता है इसमें। बहुत ही अच्छा पक जाना चाहिए। अभी लगभग पक चुका है, ब्राउन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डालते हैं। उसके बाद इसमें हरी मिर्ची डालते हैं। हरी मिर्ची का टेस्ट सूखी सब्जी में कुछ और ही अच्छा लगता है। जैसे आलू और पत्ता गोभी की सब्जी हरी है, उसमें हरी मिर्च डाल के कुछ टेस्ट अलग ही आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए कैसे बनती है। इसको अच्छे से भून लें। जब प्याज अच्छे से भुना होगा अच्छा टेस्ट तभी आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए कैसे हम आप लोगों को बनाना सिखाते हैं आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। देखिए ये ब्राउन ब्राउन लगभग हो गया है प्याज, बहुत ही अच्छा पक गया है। आप लोगों को ऐसा प्याज पक जाना चाहिए। देखते समय जब ऐसा प्याज पक जाए तब इसमें मसाला डालते हैं। सबसे पहले हल्दी डालते हैं, हल्दी 1 चम्मच। उसके बाद लगभग आधी चम्मच लाल मिर्च, लगभग आधी चम्मच धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा आँच तेज करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे कि मसाला अच्छे से पक जाना चाहिए, नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, इससे बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी, आलू और पत्ता गोभी की सब्जी। अब इसमें पहले आलू डालते हैं, और इसमें पत्ता गोभी डाल लेते हैं, और नमक अपने हमेशा ध्यान रखिए, नमक टेस्ट के अनुसार डालना चाहिए, नमक कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक ज़्यादा हो जाएगा तो सारा टेस्ट ही खराब हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ध्यान रहे अगर आपको अच्छे से ऐसे नहीं पक रही है सब्जी, तो आधा गिलास में पानी डाल लेंगे, ताकि बहुत ही अच्छी और साफ सब्जी पक जाए। थोड़ा पानी डाल लेंगे। चल बंद कर दे।
बहुत ही अच्छी सब्जी टेस्टी बने, ऐसे ही इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी। देखिए कितना अच्छी देखने में लग रही, बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है। और हम लोग इसमें पानी आधा ग्लास डाल लेते हैं ताकि ये सॉफ्ट पक जाए और अच्छे से पक जाए। इसमें आधा गिलास पाल लेंगे और फिर इसको घुमा देते हैं। अब लगभग इसको 10 से 12 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक देते हैं। 10 से 12 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट दोस्तों हो गए हैं, अब इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या इसका प्रोसीजर है। देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी पक गई है, बहुत ही स्वादिष्ट पक गई है, कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। देखिए अब आलू कट जा रहा है, फिर इसमें फिर धनिया डाल लेते हैं। अगर किसी को टमाटर पसंद हो तो टमाटर भी डाल सकता है, एक्चुअली मुझे टमाटर पसंद नहीं है, धनिया ज़्यादा पसंद है, धनिया डाल लेते हैं। फिर इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बन गई है, बहुत ही स्वादिष्ट बन गई है। और थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, बहुत ही अच्छी सब्जी बन गई है। आप लोगों के समक्ष रोज एक से एक वीडियो आते रहेंगे और डेली वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल को दबाना ना भूलें, इसलिए हमारे नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। थैंक यू और नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।